नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है वॉशिंग मशीन। ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये इसमें सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। ये मशीन पानी ऑटोमेटिक लेती है, आप कपड़े और इसमें वॉशिंग पाउडर आप भर दीजिएगा और इसको चला दीजिएगा पानी के कनेक्शन के साथ लाइट से। बस ये ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, पानी लेती रहेगी, बाहर निकालती रहेगी और सुखा करके बिल्कुल बाहर निकाल लेगी। कई फंक्शन है, केवल सुखा सकते हैं, केवल पानी में घुमा सकते हैं, कई तरह के फंक्शंस हैं ढेर सारे। टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अब इसमें अभी ये कपड़े धुल चुके हैं, ये पूरा ये साफ़ हो चुका है, धुलने की जगह पर अभी ये लगा हुआ है बाथरूम के पास में ही, अब इसको रखना है। तो दोस्तों अभी इसका जो पानी निकलता है, ये आप पाइप देख सकते हैं, ये इसमें बाथरूम में पानी निकालने के लिए लगा रखा है। अब इसको हमें वापस फिर यहाँ पर लगाना है। ये अड्डी बनी हुई है, इसी में इसका हुक फंसा देंगे, ये वाला। लेकिन क्या है दोस्तों कि इसमें जो पाइप है, इसमें से जो पानी निकला है, इसमें साबुनदार और भी गंदगी कपड़ों की निकली हुई होगी, और अगर इसको यूँ ही ऐसे उठा करके हम लगा देंगे तो क्या होगा कि इसकी गंदगी और हल्का पानी इसी पाइप में भरा रहेगा। तो इसको थोड़ा साफ कर लेंगे पानी से, ऊपर से भी और इसके अंदर डाल करके देखेगा भी किस तरह से। इसकी रोज़ाना सफाई कर लेते हैं जिससे इसमें ना तो गंदगी अंदर भरे ना पानी, नहीं तो वरना ये कुछ दिन बाद इसमें बदबू भी आने लगेगी। तो दोस्तों थोड़ा इसे धुल लेते हैं। पहले तो इसको ऊपर से धुल लेते हैं, आप चाहें तो हल्का सा ब्रश से हाथ बता सकते हैं, तो रोज साफ करते हैं इसको। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के पूरा हिला दें, ये थोड़ा इसमें डाल दिया है, अब इसको पूरा हिला देंगे और फिर इसका पानी निकाल देंगे। जैसे साबुनदार पानी वो भी निकलता है, इसको बढ़िया से हिला देंगे। इसके अंदर की जो गंदगी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी, किसी प्रकार का इसमें अंदर से बदबू आने का सवाल ही नहीं होता। इस तरह से आप लोग का सफाई करके रखेंगे। ज़्यादातर लापरवाही में इसको हम लोग यूँ ही लगा देते हैं, वॉशिंग मशीन में काम ख़त्म हो उठा करके लगा दिए। थोड़ी सी 2 मिनट की मेहनत है, बिल्कुल सफाई जिस तरह से कपड़ों की है, थोड़ा तो मशीन का भी ख्याल रखें, ये आपको लॉन्ग लाइफ रहेगा, साथ में कोई बदबू नहीं आएगी। पूरी तरह से पाइप अंदर से भी साफ हो चुका है, अब इसको वहीं पर सेट कर सकते हैं। ये ऊपर से भी पाइप साफ और अंदर से भी साफ, अब इसको यहीं पर फिट कर देंगे जहाँ इसमें लगाते हैं वॉशिंग मशीन। ये इसका छेद बना हुआ है, ये इसकी क्लिप है, ये इसी में फंसा दें यूँ बस। अब इसको हम आराम से रख सकते हैं जहाँ पर इसकी प्लेसिंग है। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा वॉशिंग मशीन का ख्याल रखिएगा, तो इसमें काफ़ी हमको भी अच्छा लगेगा साफ़ सफाई का, क्योंकि कपड़े साफ़ करते हैं जिस हिसाब से मशीन हमको कपड़े साफ़ करके देती है, इस तरह से हमको भी मशीन साफ़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग किस तरह से करते हैं वॉशिंग मशीन के पाइप की सफाई,
कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।